पांच तरह के हेडेक, कौन से? फ्रंटल हेडेक, जब आप टेंशन बहुत लेते हैं तो देखना ये हिस्सा आपका दुखने लगेगा, मेरा सर फट रहा बोलते हो। दूसरा हेडेक है माइग्रेन, आधा शीशी का, आप समय पे खाना नहीं खा रहे हो जिसकी वजह से आपको आधा शीशी का दर्द आ रहा है, हाफ हेडेक। और उसके बाद रॉन्ग पोस्चर, वर्कहॉलिक नेचर, काम करते गए कंप्यूटर पे काम किया, किचन का काम किया, ये काम कर वो काम कर, इतना ज्यादा बियॉन्ड काम कर लेते हैं कि उसके बाद वर्टिगो की प्रॉब्लम आ जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं हमको। हेडेक तो था ही, टेंशन हेडेक तो था ही, लेकिन समय पे खाना भी नहीं खाया तो माइग्रेन होने लग गया और बीपी हाई रहने लग गया, और बीपी की इतनी गोली खाके माइग्रेन को दबाया, हेडेक को दबाया, तो क्या हो गया? वर्टिगो आ गया। और उसके बाद सर्वाइकल के ऊपर अटैक आता है। तीसरा है क्लस्टर हेडेक। कैसा होता है क्लस्टर हेडेक? आपकी आंखों के आसपास इतना पेन होगा, सिर्फ इतने हिस्से में दर्द होगा। चौथा है साइनस हेडेक, यहां से लेके सिर्फ नाक के हिस्से तक इतना ही हेडेक, ये इतना पेन, ये और ये इतने हिस्से में सीवियर पेन रहेगा। और पांचवा है वर्टिगो हेडेक। कैसा रहेगा? पीछे गर्दन से लेके पीछे का हिस्सा, सिर्फ पीछे का हिस्सा दर्द में रहता है 24 घंटे, और डिजीनेस, ऐसा लगता है स्विंग हो रहे, लगता है पीछे गिर जाएंगे या आगे गिर जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो ये पांचों हेडेक को हमको ठीक करना बहुत जरूरी है। दोनों अंगूठे में जब हम रिंग घुमा लेते हैं 2 से 5 मिनट के लिए सुबह शाम, कभी भी जब टाइम मिला, तब जरूरी है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो 2 से 5 मिनट अगर हम रिंग घुमाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, ये पांचों तरह के हेडेक, क्योंकि सामने बेस्ड ऑन सुजोक थेरेपी हमारा नाक है, उसी के ऊपर हमारा फ्रंटल पार्ट है, उसी के ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और पीछे हमारा सर्वाइकल है। सिंपल। और उसके बाद रोलिंग थेरेपी।